स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2021, जिसमें हम बात करेंगे कि कौन बच्चे जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, कितने परसेंट मार्क्स आपको चाहिए जिससे कि आप फॉर्म जो है वो डाल सकते हैं। क्योंकि फॉर्म भरने से पहले आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए बिल्कुल देखेंगे, हम स्टार्टिंग से एंड तक हर चीज को समझेंगे। सबसे पहले तो कई बच्चों को फॉर्म जो है वो कहाँ से भरना है यही नहीं मालूम होता है। तो देखिए, ये जो वेबसाइट है rajedubord.rajasthan.government.in, ये वेबसाइट है, इस पर जाकर ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले आप वेबसाइट जो है वो गूगल पर सर्च करेंगे rajedubord.rajasthan.government.in, तो उसमें आपको दिखाई देगा, जैसे ही क्लिक करेंगे रीट 2021, तो यहाँ पर आप आ जाते हैं। बिल्कुल सेंटर में आपको रीट 2021 दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में फॉर्म की डिटेल मिल जाती है, जिससे कि आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि कितने परसेंट वाले बच्चे जो हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये जो कि आवेदन जो है वो आपके कब होंगे स्टार्ट किए गए, 11 जनवरी से स्टार्ट किए गए हैं और 8 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब सीधे हम वहां चलेंगे जहां आपको ये पता लगता है कि कितने परसेंट वाले बच्चे जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए देखिए, जो लेवल 1 के बच्चे हैं उनको तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि उनको 50% मार्क्स जो है वो चाहिए होते हैं, और जो भी जनरल कैटेगरी के हैं। और इसके अलावा जो भी अन्य कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनको छूट जो है वो सभी को, चाहे वो लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो, तो सभी को समान छूट जो है वो मिलती है। छूट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो लेवल 1 वाले बच्चे जिनके भी 50% मार्क्स हैं 12th में, तो वो बच्चे जो है वो आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लेवल 2, जो कि क्लास 6 से 8 तक के टीचर बनने के लिए फॉर्म भरेंगे, क्योंकि यहीं पर उनके थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले तो आपने क्या किया हो, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड, इन तीनों की ही बात करेंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है और आपके 50% मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के, और आपने बीएड किया है या बीएड के अंतिम वर्ष में है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि यदि आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हैं, आपने बीएड किया हुआ है या बीएड के अंतिम वर्ष में है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप जनरल कैटेगरी के हैं तो। और इसके बाद यदि आपने स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में यदि आपने 50% मार्क्स प्राप्त नहीं किए हैं, और इसके अलावा आपने स्नातकोत्तर यानी कि एमए में या एमकॉम में या एमएससी में आपके 50% अंक हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया कि स्नातक में होने चाहिए 50% या स्नातकोत्तर में होने चाहिए 50% मार्क्स। इसके साथ आपने किसी भी राज्य से बीएड किया हो या बीएड कोर्स के अंतिम वर्ष में है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल क्लियर मैंने आपको ये बात समझा दी है। यदि आपने डीलेड भी किया है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आ जाइए कि जिस बच्चे ने 27 सितंबर 2007 से पहले बीएड किया है, जिस बच्चे ने 27 सितंबर 2007 से पहले 12th किया है, बीएड किया है, बीए किया है, तो उनके लिए न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त अंक की कोई बाध्यता नहीं है। यानी आपके कम मार्क्स भी हैं, आपके 50% मार्क्स नहीं है, तब भी आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपने 27 सितंबर 2007 से पहले किया हो। और यदि आपने 27 सितंबर 2007 से लेकर 31 अगस्त 2009 तक आपने ग्रेजुएशन और बीएड किया है, तो आपको 45% मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है कि 27 सितंबर 2007 से पहले किया है तो वहां कोई बाध्यता नहीं है, कितने भी परसेंट मार्क्स होंगे आपके आप फॉर्म भर सकते हो, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो। और यदि आपने 27 सितंबर 2007 से लेकर 31 अगस्त 2008 तक यदि आपने किया है ग्रेजुएशन, 12th, एमए या बीएड, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 45% मार्क्स पर। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर रखिएगा इस बात को। अब छूट किसको मिलती है,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग एमबीसी, ईडब्ल्यूएसएस, विशेष योग्य जन, विधवा, तलाकशुदा महिला, जो भी अभ्यर्थी इन कैटेगरी में आते हैं उनको 5% की छूट दी जाएगी। यानी 50 में से 5% की, 45% वाले बच्चे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो काफी अभ्यर्थियों को यहाँ फॉर्म भरने का मौका मिलता है, और किसी भी राज्य से हो आप बिल्कुल अच्छे से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये तो था मेरे द्वारा बताया गया कि कौन फॉर्म भर सकते हैं, और आराम से भरिएगा, क्योंकि फॉर्म भरने से पहले ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, वरना फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।